मुखर्जी नगर स्थित साई पैरामेडिकल कॉलेज के डीएमटी के विद्यार्थियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर ज्यादा फीस लेने और छात्रों के खाते होल्ड करने आदि परेशानियों के निराकरण की अपेक्षा प्रशासन से जताई। क्या नाम है आपका? करण अहिरवार। कहाँ से आए हो? साई पैरामेडिकल कॉलेज मुखर्जी नगर विदिशा। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी, क्या परेशानी? सर, कॉलेज द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है हम छात्रों के साथ, जिसमें हम लोगों के लिए जब एडमिशन 2 साल पहले एडमिशन कराया था उसमें बताया गया था कि जब भी तुम्हारी स्कॉलरशिप आएगी तो उसमें से तुम्हारे लिए 30,000 रुपये जमा करना है कॉलेज की फीस, लेकिन अब बोला जा रहा है तुम्हारी जो भी स्कॉलरशिप आई है पूरी कॉलेज की रहेगी। तो सर, और इसके अलावा जो भी हमारे स्कॉलरशिप आने से पहले 2 महीने पहले होल्ड लगा दिया गया है अकाउंट पर, तो जिससे हमारा खुद का हम स्वयं का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं जो अभी तक होल्ड लगा हुआ है सर अकाउंट पर। किसने लगवाया है और कौन कह रहा था कि पैसे नहीं? ये कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और अमित परिहार कॉलेज के प्रधानमंत्री। क्या डीएमएलटी कॉलेज वो डिप्लोमा कर रहे हैं? ये मुखर्जी नगर साई पैरामेडिकल कॉलेज। आज आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, क्या बोला साहब ने? कल बोला गया है कि सर उनके अकाउंट में आ रही। आपने अकाउंट होल्ड पर रखा है? सर देखिए, क्या है कि बच्चे जो है छात्रवृत्ति के बेस पर ही पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अलावा उनसे जो है 2200 रुपये की फीस ली जाती है, 1000 रुपये अपना यूनिफॉर्म और 1200 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फीस। उसके अलावा जितनी भी फीस है उनकी स्कॉलरशिप से ही आती है सर। तो जो भी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है वो स्कॉलरशिप की फीस हो रही है। कॉलेज की तरफ से ये कोशिश होती है कि जो छात्रवृत्ति है उसका बच्चे दुरुपयोग ना करें, इसलिए उस पर अकाउंट होल्ड कर रखा है। सर होल्ड इसलिए किया हुआ है क्योंकि कई बच्चे जो ऐसे होते हैं जो दुरुपयोग करते हैं सर स्कॉलरशिप का। अधिकार है क्या होल्ड करने का? अधिकार है जो होल्ड करने का सर? देखिए, अब ये चीज़ तो है वो सर बताएंगे, है ना? जो 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 चीज़ें प्रोसेस में होती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको मैंने आपको मुझे वो जानकारी नहीं है कि किसका अकाउंट होल्ड है, है ना? अब आपको आपको मैंने फीस के बारे में बताया कि कितनी फीस है हमारी, है ना? हाँ, और हमने ये भी बताया कि वो मुझे पहले जानकारी लेना पड़ेगा सर, है ना? उसके बाद मैं आपको बता पाऊँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई भी टीचर जो है इस तरीके से करियर खराब करने की धमकी नहीं देगा सर। क्या नाम है सर? क्या बात है? मैं माइकल मनोहर हूँ और मैं एक्टिंग प्रिंसिपल हूँ।